प्रिय मित्रों, जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जान से मार देता है तो हम उसको होमिसाइड कहते हैं। और दुनिया भर के तमाम जितने भी पीनल कोड हैं, यानी कि सजा देने के प्रावधान हैं, उन सब में इसको एक बहुत ही घृणित और बहुत ही सीरियस क्राइम माना गया है। और अक्सर हर पीनल कोड में जो मैक्सिमम सजा निर्धारित होती है उस देश में वह दूसरे व्यक्ति को मारने की सजा बन जाती है। भारत में भी ऐसे केसेस में मृत्यु दंड का प्रावधान है, उम्र कैद का प्रावधान है। परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए उसको कितना इम्प्रिजनमेंट देना है यह तय किया जाता है जजेस के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा। लेकिन कुछ ऐसे मर्डर होते हैं जो विद इन परिवार होते हैं, यानी व्यक्ति अपने ही सगे संबंधियों को मार देता है जान से। ज्यादातर ऐसे मर्डर मानसिक प्रभाव के कारण होते हैं, यानी कि उन लोगों के मारने वालों की मानसिकता सही नहीं होती, ठीक नहीं होती, और उसी के कारण वह अपने प्रियजनों की हत्या कर देते हैं। वह मानसिकता एक हेरिडिटी भी हो सकती है, यानी कि परिवार में एक से ज़्यादा व्यक्ति उससे सफ़र कर सकते हैं, या फिर वह खाली उसी व्यक्ति तक भी सीमित हो सकती है। ऐसे केसेस में जहाँ पे व्यक्ति अपने बिल्कुल नज़दीक के रिश्तेदारों का, जैसे माता पिता, दादा दादी, भाई, पत्नी या पति या बच्चे, उनकी हत्या कर देता है, तो उसको पेरिसाइड कहा गया। पेरिसाइड वह स्थिति है जब एक व्यक्ति अपने ही क्लोज रिलेशनशिप को मर्डर कर देता है, यानी कि मरने वाला व्यक्ति उसी के क्लोज रिलेशनशिप में है। कुछ लोगों ने इसको सीमित किया सिर्फ माता पिता और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में, कि हम पेरिसाइड कहेंगे जब वह अपने माता या पिता या फिर ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर को जान से मार देता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का अभी भी ऐसा विश्वास है, वो पेरिसाइड को उस वक्त यूज़ में लाते हैं जब वह किसी भी नज़दीक के रिश्तेदार को, रिश्ते को मार देता है, उसको जान दे लेता है। इसको दूसरे तरह के मर्डर से या होमिसाइड से अलग माना गया, और इससे अधिक कठिन पनिशमेंट का प्रावधान रखा गया। जैसे ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी में जो कोई व्यक्ति इस तरह की हत्या करता था, उसको एक बहुत बड़े चमड़े के बैग में बंद करके और उसके साथ एक बंदर, एक बहुत जहरीला वाइपर सांप और एक कॉक, उसके उसी के अंदर जिसमें उसको सिया जाता था रख दिया जाता था, और एक कुत्ता भी उसमें रख दिया जाता था। यानी कुत्ता, कॉक, एक जहरीला सांप और एक बंदर, उन सब को एक बहुत बड़े बैग में बंद करके, चमड़े के बैग में सी करके और बंद करके उसको समुद्र में फेंक दिया जाता था। ऐसा प्रावधान हमें इंग्लिश वर्ड में 18वीं शताब्दी में मिलता है, यानी कि इंग्लैंड यूके में ऐसी सजा का वर्णन मिलता है। यह सब एक ब्लैकस्टोन की नाम की जो बुक है,
उसके अंदर लिखा हुआ पाया जाता है। नेपोलियनिक जो कोड था फ्रांस में, उसमें ऐसे व्यक्ति को वह लोग नंगा करके सिर्फ ऊपर के हिस्से में वह कोई कपड़ा पहन लेता था और उसको नंगे पांव उस जगह ले जाया जाता था पब्लिक के बीच में। यहाँ पब्लिक ऑलरेडी इकट्ठा होती थी उसको उसका एग्जीक्यूशन देखने के लिए। उस जगह पे ले जाया जाता था, उसके चेहरे पे काला नकाब पहना दिया जाता था और वह नकाब मरने से पहले जब वह उस मरण स्थली पे आ जाता था, उस एग्जीक्यूशन प्लेस पे आ जाता था, तब उसको हटाया जाता था और उसको मारने से पहले उसका दायां हाथ काट दिया जाता था। यानी कि सज़ा को बहुत कष्टदायी बनाया जाता था। ऐसा नेपोलियनिक कोड जो कि उस वक्त फ्रांस में फॉलो किया जाता था उसके हिसाब से है। पेट्रिसाइट या मेट्रिसाइट, पेट्रिसाइट उसे कहते हैं जिसको हम जब कोई व्यक्ति अपने पिता की हत्या कर देता है तो उसको हम पेट्रिसाइट कहते हैं। तब भी कहते थे, आज भी हम उसे पेट्रिसाइट ही कहते हैं। और इसकी सज़ा भी उसी प्रकार दी जाती थी जैसा मैंने बताया। माता की हत्या को मैट्रिसाइड कहा जाता था। प्रोलिसाइड का मतलब होता था अपने ऑफस्प्रिंग, यानी कि अपना पुत्री का या अपने बच्चे का, बेटे का या फिर दादा परदादा, कोई भी जो है अगर अपने ऑफस्प्रिंग्स के यानी कि अपने बच्चों की हत्या करता है तो उसको कहा जाता था प्रोलिसाइड, और उसकी सज़ा भी इसी भयंकर तरीके से दी जाती थी। सोरोरीसाइड बोलते थे जब कोई व्यक्ति अपनी बहन को मार देता था जान से तो उसको कहा जाता था सोरोरीसाइड। और यूरोक्सीसाइड शब्द तब यूज किया जाता था जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या कर देता था। वंक्लिसाइड उस स्थिति में कहते थे जब कोई व्यक्ति अपने चाचा की हत्या कर देता था। फिलिसाइड तब कहा जाता था जब कोई अपने पुत्र या पुत्र की हत्या करता था, पुत्री या पुत्र की हत्या करता था, बेटा या बेटे की हत्या कर देता था, तो उसको कहा जाता था फिलिसाइड। फ्रेट्रिसाइड उसको कहा जाता था जब कोई व्यक्ति अपने सगे भाई को मार देता था तो उसको फ्रेट्रिसाइड कहा जाता था। और नेपोटिसाइड तब कहा जाता था जब कोई व्यक्ति अपने भतीजे को मार देता था। तो इस तरह से जो कोई व्यक्ति अपने नज़दीक के रिश्तेदारों का मर्डर कर देता था उनको एक अलग कैटेगरी में उस ज़माने में रखा जाता था और उनको सज़ा देते वक्त अधिक सज़ा दी जाती थी होमिसाइड से। यानी कि जो साधारण रूप से किसी ने दूसरे व्यक्ति का मर्डर किया है उससे ज़्यादा सज़ा देने का इस प्रकार के केसेस में प्रावधान हुआ करता था। यानी कि ज़्यादा क्रूल ट्रीटमेंट उनको दिया जाता था ट्रायल के बाद जब उनको सज़ा दे दी जाती थी, तो एग्जीक्यूशन के टाइम में उनको थोड़ा सा कष्ट या उनको एग्जीक्यूशन करने का तरीका कुछ अलग तरह से होता था। इस तरह हमेशा समाज ने कहा कि आप अपने ही नियर एंड डियर्स को, अपने ही रिश्तेदारों को अगर आप मारेंगे तो यह गुनाह ज़्यादा बड़ा है उस स्थिति से जहाँ व्यक्ति गुस्से में या प्रतिकार में किसी दूसरे व्यक्ति को मारता है, क्योंकि यहाँ पर उसका संबंध उससे एक साधारण मानवीय संबंध से ज़्यादा अधिक घनिष्ठ है। यहाँ उसका संबंध रक्त से है, वह उसी का अपना खून है और वह अपने ही खून का वो मर्डर करता है, उसको उसकी हत्या करता है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा समझी जाती थी। लेकिन आज के समय में प्राय सभी राष्ट्रों में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये सब शब्द आज भी
प्रयोग में लाए जाते हैं अगर ऐसी परिस्थिति में मर्डर होता है। यहाँ बताने का मेरा तात्पर्य इतना ही है कि ये सब परिस्थितियाँ जो हैं इनमें कुछ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस या डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस जरूर होते हैं जो उस व्यक्ति की मानसिकता में एक विकार लाते हैं और उन विकार के कारण वह इस तरह के मर्डर करता है, ऐसा ज़्यादातर परिस्थितियों में पाया गया है। और क्योंकि अन्यथा एक नॉर्मल व्यक्ति इस तरह के घातक हमले या इस तरह से होमिसाइड नहीं करता। हालांकि काफ़ी बच्चों में जहां पे वो एक ब्रोकन फैमिली की उत्पत्ति होती है या जहां पे पति पत्नी की नहीं बनती है या दादा दादी की नहीं बनती है या किसी एक भाई की नहीं बनती है अपने परिवार से और परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहता है और बच्चे उसको देखते हैं, तो वहाँ पे उनकी मानसिक डेवलपमेंट जो है वह नॉर्मल नहीं हो पाता। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो ज़्यादा प्रोन होते हैं इस तरह के क्राइम करने के लिए। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हर परिवार में शांति रखी जाए, संबंधों में तनाव ना हो, बल्कि संबंधों में एक रास्ता हो और सभी एक अपनी अपनी सीमाएं और बांध करके और प्यार से उसमें चलें, न कि हर रोज़ परिवार में झगड़े हों, एक दूसरे की डिफरेंसेस हों, क्योंकि उससे इन बड़े होने वाले बच्चों पे बहुत ही विपरीत असर पड़ता है और उनका मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता। अक्सर ऐसे बच्चे अपने माँ बाप के प्रति कुछ ग्रजेज रखना शुरू कर देते हैं और वो अपने आप अपब्रिंगिंग को जो है वो ठीक नहीं हुई ऐसा उनमें एहसास आता है या अपने पेरेंट्स को अपनी प्रगति में एक ऑब्स्टकल समझते हैं या जो भी उनके जीवन के फेलियर हैं या जो भी वो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं उसके लिए अपने पेरेंट्स को जिम्मेदार समझते हैं। इसके कारण ये भावना धीरे धीरे उनमें गहन होती जाती है और अंततः इस सीमा तक पहुंच जाती है कि वो उनका मर्डर भी कर देते हैं, यह समझ के कि जो भी उनका दुर्भाग्य आज है वह उनके माता पिता की अपब्रिंगिंग के कारण है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना अत्यधिक आवश्यक होता है। यही बात कहने के लिए मैंने आज का यह सेशन लिया है। धन्यवाद।